में संदेश आ रहा, साथ में संदेश आ रहा। सुनो नमस्कार दर्शकों, आज हम अमृता अस्पताल की तरफ से आपके सामने एक नुक्कड़ प्रस्तुत करने आए हैं। इस नुक्कड़ का विषय है HIV/AIDS और ड्रग अब्यूज, नशे का दुरुपयोग। आज 26 जून है और आज के दिन HIV/AIDS और ड्रग अब्यूज का दिवस मनाया जाता है। और इस नुक्कड़ में हम प्रस्तुत करने वाले हैं एक लड़की की कहानी जिसने अपने माँ बाप का जीवन और उनके सपना पूरा करने की है ठान। पिताजी आपके लिए कुछ खबरी लाया हूँ। मैंने पूरे जिले में 12वीं कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। धन्यवाद पिताजी। पिताजी मैं शहर जाके आगे पढ़ना चाहता हूँ। मुझे अपने घर की आर्थिक स्थिति का तो पता ही है, फिर भी मैं ठीक है पिताजी। आज ही सुनती हो चिंटू की मम्मी भाई भाई छोड़ कर माँ बाप ने पैसा है कमाया, चिंटू की पढ़ाई पूरी हो इसका सपना है सजाया। आइए देखते हैं। आजी सुनती हो चिंटू की मम्मी। आजी बोलिए। अपने बेटे ने पूरे जिले में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। ये तो बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए, पर वो शहर जाके पढ़ना चाहता है, उसके लिए कुछ दर्द होगा। हाँ तो मेरी शादी के गहने रखे हुए हैं, चिंटू की पढ़ाई के लिए लगा सकते हैं। चिंटू की पढ़ाई से ज्यादा हम हमारे गहने महत्व नहीं रखते हैं। ठीक है ठीक है। चाहता है चिंटू नए शहर में माया नगर जहाँ नशे ने मचा की तबाही को, अनजान था वो कई पुकार चेहरों से। आइए देखते हैं जब जाता है कॉलेज में वो। पता हूँ दिल के कराने दिए, जाता हूँ। अरे आकाश, आज तो सबने लेक्चर ऑफ प्राइम समझ आया, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया। अरे उस बूढ़े घूसड़ का तो किसी को कुछ समझ नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, परीक्षा भी आने वाली है, पास कैसे होंगे हम? मेरे पास एक मत जुगाड़ है, कुछ सीख डालता हूँ। मैं उनको जन के पास ले चलता हूँ। पक्का हमारी सीनियर मदद करेंगे ना? अरे वो सबकी मदद करते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले दृश्य की तरफ जहाँ चिंटू और उसका दोस्त जाता है सीनियर के पास मदद के लिए पढ़ाई से। आकाश यहाँ तो सारे पी रहे हैं, हमें कुछ समझ आएगा ये हमारी मदद करेंगे नहीं करेंगे एग्जाम के लिए? अरे ये दूसरी तरह की मदद नहीं करते। अच्छे कैसे क्या कर रहे हो आप? इंजेक्शन से बदल लो, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मत करिए, क्या कर रहे हो? एक दिन एक तूफान आया, दोस्तों ने खुशी में चिंटू को नशा थमाया, नशे का आदि चिंटू को बनाया और अंधेरा बेबसी साथ मिला। चिंटू के नशे का उसके माँ बाप को है पता लगा, सोच है वही पुरानी, अब चिंटू की शादी करवा के उसकी जिंदगी संवारने की है ठाने। चिंटू पड़ा था नशे की लत में, पीता था अपनी पत्नी को गम में। एक दिन हुई उसकी पत्नी बीमार, अब चिंटू लेके जाता है उसे डॉक्टर के पास। तो आइए देखते हैं अगला दृश्य। देखिए आपकी जांच करके हमें पता चला कि आप गर्भवती हैं और आप दोनों HIV संक्रमित हैं। डॉक्टर साहब ये HIV क्या होता है? मैंने तो कभी इसका नाम नहीं सुना। डॉक्टर साहब इससे मेरे बच्चे पे तो कोई असर नहीं होगा ना? देखिए यह एक विषाणु होता है जिसे हम इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। यह एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, आम भाषा में जिसे प्रतिरोगी कमी सिंड्रोम कहा जाता है, उसका कारण बनता है। सावधानी बरतनी चाहिए,
इससे सावधानी इसलिए बरतनी चाहिए क्योंकि यह हमारे निजी जीवन के अंदर समस्याएं उत्पन्न करता है, जैसे कि एड्स, यानी कि ये हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को कम कर देता है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फैलता है या किसी भी गले लगाने से फैलता है या खाना साझा करते वक्त फैलता है, तो इसका उत्तर है कि नहीं, यह किसी भी छुआछूत की बीमारी नहीं है। तो अगर किसी को एड्स होता है तो उससे बिल्कुल छुआछूत नहीं करना है। तो यह फैलता कैसे है? यह फैलता है हमारे जो अंदर के बॉडी फ्लूइड्स है, लिक्विड है, जैसे कि योनि द्रव, उसके अलावा जो रक्त का संपर्क, उस जैसे उदाहरण के लिए अगर रक्त का संपर्क किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर जाता है जो कि एचआईवी संक्रमित है, तो उसका एचआईवी एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति के अंदर चला जाता है। अब इसके उदाहरण जैसे कि टैटू बनवाना, एक ही सुई का, जैसे यहाँ पे हमें दिखाया कि एक ही सुई का हम बार बार यूज करते हुए, तो अगर हम नशे के टीके की लत लग जाती है और नशे के टीके लगाने से, जो टीके लगाते हैं एक ही सुई का बार बार यूज करने से, यह हमारे एक खून से दूसरे खून के अंदर फैल जाता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। दूसरा है माँ से बच्चे के अंदर गर्भावस्था के दौरान, प्लेसेंटा के माध्यम से प्रसव यानी कि डिलीवरी के दौरान, उसके अलावा अगर किसी गर्भवती महिला को यह एचआईवी इंफेक्शन है, आप सब जब भी हॉस्पिटल के अंदर आते हैं अपने नियर बाई हॉस्पिटल डॉक्टर को आप दिखाते हैं, तो सबसे पहले आप एचआईवी की जांच कराएं। अगर आप एचआईवी पॉजिटिव है और तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप जितना जल्दी इसको हो सके, अगर जितना जल्दी हम इसको एचआईवी को जान पाते हैं उतना जल्दी इसका उपाय संभव है, तो जल्दी से जल्दी आप अपने, जब भी आप गर्भवती होने को आपका संकेत मिले तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से जांच कराएं। अगर आप एचआईवी पॉजिटिव है तो डॉक्टर का परामर्श लें। इस पूरे नाटक को एक अंतिम पंक्ति के साथ मैं विराम देना चाहूंगा। नहीं छूने से नहीं साथ रहने से यह फैलता है असावधानी बरतने से। आपकी सुरक्षा आपके परिवार की सुरक्षा। धन्यवाद।